Audio Jungle. संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद बोल मजूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल मुख्यमंत्री होश में आओ परिवहन निगम कर्मियों से मत टकराओ मत टकराओ मत टकराओ निगम प्रबंधन होश में आओ होश में आओ बोल मजूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह है और किन मांगों को लेकर के यह आंदोलन किया जा रहा है ये हम लोग जानना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार, संयोजक क्षेत्रीय कार्यशाला। जी, क्या कौन किन मुद्दों के तहत आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें निजी 7 सूत्री मांगों को लेकर है। उसमें राष्ट्रीय मार्गों पर निजी संचालकों को परमिट दिया जा रहा है, निगम को निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि निजीकरण बंद हो, निजी ऑपरेटरों को परमिट न दिया जाए, परिवहन निगम की जो यात्री कर है उसी तरह प्राइवेट का जो यात्री कर है एक समान हो। हम यात्री कर अधिक देते हैं, निजी बस मालिक यात्री कर कम देते हैं, उसकी मांग है हमारी। संविदा चालक परिचालकों को नियमित करने की मांग है। कार्यशाला में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, नियमित कर्मचारियों की भर्ती हो। कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं आप? हमारी आंदोलन नवंबर से चल रहा है, अभी तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानी है। उसी के क्रम में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 30 तारीख को रैली निकाल कर कार्मल स्कूल होते हुए, काली मंदिर होते हुए, गोलघर होते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर जाएगी। वहाँ मंडलायुक्त जी को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के तरफ से भी कोई स्टैंड लिया है क्या बात करने के लिए? कोई स्टैंड नहीं है, इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं ना। सरकार हमारी मांगे नहीं मानी, अभी तक कोई विचार भी नहीं किया, इसी के लिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है 30 तारीख तक, उसके बाद प्रदेश का जैसा भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। उसके साथ हमारे कर्मचारी सभी साथ हमारे साथ खड़ा रहेंगे, यही हमारी मांग है। सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं? सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि परिवहन निगम कर्मचारियों को मत छेड़िए। परिवहन निगम कर्मचारियों को जो छेड़ा है वो मिट गया है, वो फिर सत्ता में नहीं आया है। तो हम यही आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करें, परिवहन निगम को निजीकरण की ओर न ले जाएं, यही हमारी मांग है, यही हमारा संदेश है। ये रहे हमारे साथ अजय कुमार जी, जो UPSRTC के संबंध में जो समस्याएं आई हैं, जो चुनौतियां आई हैं, उसको सरकार जल्द से जल्द सुने ताकि इसका निस्तारण किया सके। धन्यवाद।